प्रैंक प्रैंक के चक्कर में ना मुझसे रियल में गाड़ी लग गई है। और ये देखो में लगी आज पड़ेगी रियल वाली डांट। और मामा ने मुझे कहा था कि मैं भी पापा के साथ प्रैंक में शामिल हो जाऊंगी। वो प्रैंक करते करते वो रियल में गाड़ी लगी गाड़ी लगी है। फातिमा ने मैंने फातिमा ने लगाई है दरवाजे के नीचे से थोड़ी ना वो मुझे तो नहीं पता। हाय गाइस वेलकम टू द वीडियो लॉग ऑफ हिरा फैसल। और आज हम जा रहे हैं गाड़ी लेके ग्रॉसरी करने। और आज की वीडियो में थोड़ा सा सरप्राइज है, सरप्राइज भी है, थोड़ा सा शॉक भी है पापा के लिए। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी बिकॉज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं वो पंगा लेने वाली हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं लिया है। सो लेट्स सी गाइस, आपको पता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बताओ आज हम लोग पापा के साथ गाड़ी लगने का प्रैंक करने वाले हैं। आज प्रैंक नहीं पी रैंक करने वाले हैं हम। और हमारे इस खेल में मामा हमारा भरपूर साथ देने वाली हैं क्योंकि अगर कोई ज्यादा मैं नहीं दे रही साथ। अगर हीरा मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम असली में गाड़ी ठोक दो। अच्छा और जनरल रिएक्शन ले लो। साथ जो बैठी हुई है ना इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना। अम्मी को मैं हैंडल कर लूंगी, अम्मी को दो चीजें एक्स्ट्रा ले देंगे। अच्छे मशवरे दे रही है, कह रही है अम्मी को दो चीजें एक्स्ट्रा ले दो तो मम्मा नहीं करेगी। बट नहीं, हम लोगों ने यही प्रैंक करना है। रियलिटी 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 होती है, बस पापा को नहीं पता, उनको लगेगा कुछ टाइम के लिए कि ये रियलिटी है बट हम लोग सिर्फ प्रैंक करेंगे। और मैंने मामा को इस बार इसलिए साथ में मिलाया कि मुझे वाकई में रियल में डांटना पड़ जाए कि ऐसा झूठ कौन बोलता है। झूठ तो झूठ होता है, अगर बोलना है तो फिर अच्छा। ये झूठ नहीं है, आगे रोजे आ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं प्रैंक कर सकती हूं कि नहीं। मैं प्रैंक में इतना पापा को भड़काऊंगी, इतना भड़काऊंगी कि वो सच में तुम्हें लगे वो जो आप मजो आएगा। मतलब गाइस स्टे कनेक्टेड हो जाए। देख ले गाइस ये भी स्क्रिप्टेड है, मेरी अम्मा कह रही है मैं पापा को भड़काऊंगी लेकिन ये रियल में भड़काएंगे सारे बंदे। उतारे लो हीरा इतनी तेज गाड़ी चलाती है, इसको अक्ल ही नहीं है। ऐसे नहीं क्या? अच्छा ये तो मेरे माइंड में ही नहीं था, ये तो मामा प्रैंक कर रही है मेरे साथ। चले हम इस वीडियो में प्रैंक करने वाले हैं, तो लेट्स गो। और फिर यहाँ पे मुझे एक और सरप्राइज मिला है एंड दैट इज टाडा, कांट बिलीव दैट। स्पेशली ये देखने नहीं आए थे, एक्चुअली में हम लोग प्रैंक करने आए थे बट द पॉइंट इज मम्मा कैसा लग रहा, प्राउड फील हो रहा है। राबे वहाँ क्या कर रही हो? राबे मैं और तुम वहाँ क्या कर रहे हैं पहले जरा ये तो बताओ। प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी देखो हमने दिखा रहे। और वो लोग किधर है? तो ना मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और वो ये कि प्रैंक प्रैंक के चक्कर में ना मुझसे रियल में गाड़ी लग गई है। और ये देखो रियल में लगी है, ये तो टूट ही गई है। नहीं ये फुटपाथ पे लगी है, इतना ज्यादा रश था प्रैंक के चक्कर में। मम्मा अब आपने मेरी साइड पे रहना है पापा के सामने, रियल में डांटेंगे। नकली मैं कहूंगी कि हीरा बड़ी गंदी गाड़ी चलाती है। हीरा का वॉइस साफ आ गया, शेर आ गया आइंदा के बाद आज बचा लो। ये प्रैंक करेगी गाड़ी वाला कभी प्रैंक नहीं करेगा। यार मुझे पता नहीं है ना यार क्या हुआ है, मुझे आज तक गाड़ी नहीं लगी ना, जरा सी लगी। पापा जी हमसे जरा सी गाड़ी लगी है और गाड़ी की हालत देखी ये है, आपी की गाड़ी सच में ठुक चुकी है। इसने प्रैंक करना था, कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदो खुद के लिए खुद जाता है। आप ध्यान से जाओ पापा जी, आप ये व्लॉग देख रहे हैं, हीरा ने गलत किया, हीरा ने गाड़ी ठोक दिया, गलत किया। और फिर हम बेचारी फातिमा पे इल्जाम लगाते हैं, जाने बिना कहो फिर तुम वॉमिट करोगी यार। और कुछ नहीं होता, चलो निकलो यार। एक तो मुझे टेंशन हो रही है और पीछे इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। मुझे लड़ाई बाद में अगली बंदी बात ही क्या कर रही है, लड़ी इसलिए है हीरा की टेंशन खत्म हो। इसके एक पैरी खाली तो गुस्सा उतारी जा रही है। यार देखो कोई दुनिया के मेरे जब आंखों के सामने मेरा खाना खाया गया, मेरे दुख अंदर से तो मेरा दुख कौन पूछे कि प्रैंक करने निकली थी रियल में गाड़ी। मेरी बात सुन, इसके लिए एक चीज नहीं, इसके सामने मेकअप आ जाए आउट ऑफ कंट्रोल, इसके सामने कुछ आ जाए आउट ऑफ कंट्रोल, इसके सामने खाना आ जाए वो भी आउट ऑफ कंट्रोल, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं जो प्रैंक करने निकली थी। फिर आप लोग कहते हो कि मैं पैसा ज्यादा खर्च करती हूं। नहीं आज तुमने जी राजा आपने भी फिर ब्लॉग का नाम रखना है, लिखना है असली प्रैंक रियल प्रैंक। ये भी नहीं कह सकती प्रैंक गॉन रॉन्ग क्योंकि प्रैंक अभी शुरू ही नहीं हुआ था। लिखो प्रैंक टर्न्स इनटू रियलिटी बन प्रैंक गॉन। और मम्मा वैसे कितनी अजीब बात है कि आज से पहले कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं लगी। फातिमा को कॉल करें, सबको पूछें सब ओके हैं।
हेलो, मुझे एकदम से टेंशन हुई कि फातिमा अकेली थी घर में। सबको ही टेंशन हो रही थी, कुछ मसला था। और तू कॉल नहीं उठा रही थी? मैं बाहर चला गया था घर से। हम बेसमेंट में दबे बैठे। भाग गई थी घर से? हाँ, क्योंकि काफी तेज आ रहा था। डरी हो तुम? फिर रोई हो? और क्या, इतना तेज था, बाकी लोग भी घर से बाहर आ गए थे। ओह माय गॉड, ये सामने तो हमें क्यों नहीं फील हुआ? शिट, ऊपर से हम लोग बेसमेंट में, ऊपर से हम लोग बेसमेंट में, सारी गाड़ियां एकदम से रुक गई। है डरी तुम? फोन पकड़ा होगा बाहर जाते हुए तुमने अपना? नहीं नहीं, ये घर से जब बाहर गई होगी। न्यूज़ तो दी नहीं क्या? मैंने आज प्रैंक करना था पापा के साथ गाड़ी लगने का, वो रियल में लग गई। तुम्हारी जगह बजा तुमने नहीं एक दफा हाथ ना मारी थी? कसम, रियल में गाड़ी लग गई नीचे से। मुझे लगता है ये कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि बाहर चली गई थी। फुटपाथ से लग गई गाड़ी नीचे। हमें तो कुछ फील नहीं हुआ, राबिया मुझसे लड़ रही थी कब से, इसलिए नहीं फील हुआ। बंद कर कर बार बार। फोन तो पकड़ा होगा तुमने भागते हुए? नहीं, फोन अंदर था, था। जान बचाई तूने अपनी, फोन को नहीं बचाया। नहीं, मैंने कहा तो अंदर उतर ले, मैं तो फाइनल टर्की की तरह मैं अंदर। तो सारे लोग भी बाहर निकले, हमें देखो जरा। थोड़ा नहीं था, ज्यादा था, 7 समथिंग का था। जितना टर्की में आया था ना उतना। मैं तो यहाँ बैठी थी, झूमा तो पूरा हिलना शुरू हो गया, सारे वो किचन में भी पत्ते हिल रहे हैं। वाकई? और यकीन करो यहाँ पे कतरा बराबर हमें गाड़ी में फील नहीं हुआ। लोगों की कॉल आई है यहाँ पे, ये चीजें ना पता नहीं कुछ होने वाली चीज नहीं थी। कह रही है गाड़ी में नहीं फील होता, जब सड़क बीच में से पट्टी है ना तब फील होता है। और तुम्हें पता है इतना रश लगा हुआ, सारी गाड़ियां एकदम से रुक गईं और अभी भी निकलते निकलते हमें आधा घंटा तो हो ही गया। पापा को कॉल करके पूछो ना। पापा से ही बात। पापा क्या कह रहे हैं? कह रहे थे हाँ आया काफी तेज, तुम लोग कहाँ? तो ना हमारा प्रैंक गलत हो गया, हम जलजले के साथ प्रैंक, और मेरा सर घूमना शुरू हो गया न्यूज़ सुन के। आई डोंट नो व्हाई। पर तब थोड़ा था मम्मा, अभी वो बता रही है 7 समथिंग और मैं हिल गई। लेकिन अभी तो हमें फील नहीं हुआ, लेकिन जब उस दिन आया था पीछे से लड़ते लड़ते कान खा रही थी, मेरा ध्यान इधर था तुम लोगों की तरफ। फिर भी गाड़ी हिल रही थी, हमें नहीं गया फील। नहीं, कहते हैं गाड़ी में फील नहीं होता। हम उस दिन घर थे, जमीन हिलती हुई मैंने टच किया था जमीन को और मुझे इतना रोना आया था। अब तो खैर हम लड़े कोई बात नहीं। हाँ, और मुझे रोना आ रहा था आगे तुम लोगों की लड़ाई की वजह से। ओके, सो हम लोग घर पहुँच चुके हैं, टेंशन भी थी। खैर जलजला एक साइड पे, वो वाला जलजला तो चला गया। अभी जो मुझे पापा ने डांटना है वो मुझे फेस करना पड़ेगा। और मामा ने मुझे कहा था कि मैं भी पापा के साथ प्रैंक में शामिल हो जाऊंगी, वो प्रैंक करते करते वो रियल में गाड़ी रियल में बचाना पड़ना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ आज प्रैंक हो गया। हीरा को मैंने बचाना क्योंकि हीरा का कुछ सूर नहीं, मैं साथ बैठी। हाँ, इतना रश था, इतना रश था कि बस क्या। और ज्यादा रास ही लगी, ज्यादा भी नहीं लगी, बट लगी है गाइस, गाड़ी लगी है मुझसे। okay, so नीचे आ चुके हैं इस टाइम पापा, और अभी ये न्यूज उनको ब्रेक करनी है, मैंने उनको बताना है। उनको पहले ये, उनको तो यही लगेगा ना कि हीरा मजाक कर रही है मेरे साथ। मुझे उनके डांट से कौन बचाएगा? खैर डांटेंगे तो नहीं, थोड़ी बहुत तो पड़ेगी डांट। पापा किधर है? मामा वो तो कब के आगे सो भी है, तुम इतनी लेट में सो गए? उन्होंने गाड़ी का नहीं पूछा? ये गाड़ी देखी नहीं अभी? सुबह पूछेंगे मुझसे, सुबह मेरी वाट लग गई। चलो शुक्र है आज रात को शांति की नींद तो आई कि मुझे अब चुपती में शुगर वाली वाट लगाऊंगी। आपने नहीं मिलना पापा के साथ, आप मेरी साइड पे हैं। मजे वाले मम्मा। हाँ। देखे हम दोनों प्रैंक का हिस्सा थे आप भी। और कितना वैसे मुझे ना हैरत हो रही है, कितना कोइंसिडेंस है, आज हमने सोचा था हम पापा के साथ प्रैंक करेंगे कि गाड़ी लग गई, वो वाकई में लग गई। मुझे इस चीज़ का अभी तक यकीन नहीं आ रहा। इसलिए कहते हैं घर से अच्छा सोच के निकले। अब वो थोड़ी सी लगी है लेकिन वो मेरे दिल पे बहुत भारी पड़ रही है। दिल पे इसलिए बोझ है कि हीरा ने झूठ बोला था कि मैं प्रैंक करूंगी, इसलिए बोझ है। मुझे बुरा लग रहा है कि वो प्रैंक करना था वो रियल में हो गई है। चलो खैर अभी रात को तो आराम से सोती हूँ, सुबह पापा का रिएक्शन देखेंगे। मेरे साथ एक गड़बड़ हुई है और वो ये कि रात को मैं सो गई थी और सुबह उठ के मुझे याद नहीं रहा पापा को बताना। पापा गाड़ी लेके गए हुए हैं और अब वो आए हैं, पता नहीं उन्हें पता चल गया है या नहीं, बट मेरी तो वाट लगने वाली है, देखते हैं। हीरा की मौत आ रही। मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सुबह पापा उठ के चले गए हैं? उनको बताना किसने था? क्या उनकी गाड़ी लगी है? वो तो ऐसे गुस्सा करेंगे ज्यादा। खुद ही देखेंगे, पता चल जाएगा कि हीरा ने लगाई है। तो मांगे मुझे बचा लेना ना आप। नहीं कुछ कहते, मैं कह रही हूँ नहीं कुछ कहते। तो हीरा से डर रही है, कुछ नहीं कहते, हमने जानबूझ के थोड़ी लगाई। बहुत रश था। हाँ तो रश था, झूठ थोड़ी। प्रॉमिस करें हमने।
आगे बचा ले, मैंने जान के पहले कैमरा ऑन किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है पापा जी? अच्छा वो मैंने, हाँ जी क्या हुआ? मैं व्लॉग बना रही थी तो मैं वो गाड़ी लगी, तो किसने लगाई? गाड़ी लगी है फातिमा ने। मैंने तो नहीं लगाई, फातिमा ने लगाई है। दरवाजे के नीचे से थोड़ी सी ना, मुझे तो नहीं आपके साथ प्रैंक करना था कि मेरी गाड़ी लग गई है, लेकिन वो रियल में लगी तो मुझे उसका अफसोस ही लगा हुआ है। अच्छा देखा, नहीं पता क्या हुआ है, मैंने ना आपको रात को बताने आई थी, आप सो गए थे, फिर मैंने कहा पापा को सुबह बताऊंगी, लेकिन आप मेरे उठने से पहले चले गए थे। ऐसी बात तो मैसेज बता दे। डर लग रहा था, मैंने कहा मम्मा साथ देंगे, मम्मा भी कुछ नहीं बोल रही हैं। बताएं पापा को गाड़ी किस वजह से लगी है, मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी। था वो कुछ कह रहे हैं, कहेंगे तो बताऊंगी ना। कह दें कुछ प्लीज, ताकि मेरे दिल को सुकून। नहीं नहीं एक बात तो कहनी है। क्या इस तरह गाड़ी में सफर में कहीं जाना तो प्रैंक करना, प्लान किया करो? नहीं बस वैसे ही प्रैंक किया भी मैंने, बस आपका ना कॉल पे रिएक्शन लेना था, लेकिन वो सच में लग गई और वो मेरे अपने मेरा कॉल पे क्या, मैं फेस टू फेस नहीं आ रही थी, मुझे डर लग रहा था। लगी ना तो कभी ऐसा हो जाए तो बता देते, कोई मसला नहीं। ठीक है आप बता, आप डायरेक्ट बता दो, इसलिए मैंने भी कैमरा ऑन किया था, मैंने कहा कोई डांट भी पड़ेगी तो कैमरा में पड़ेगी। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके सो थैंकफुली मेरी जान बख्शी गई है, मैं बच गई हूँ। पता नहीं मैंने इतनी टेंशन क्यों ली हुई थी, अब्बा से इतनी डांट तो नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और सेकंड बात मैंने आपसे ये कहनी थी कि योर गर्ल इज़ ऑन द बिलबोर्ड्स, और जहाँ पे भी आपको मेरी कोई पिक्चर, मेरी राबिया फातिमा की पिक्चर नज़र आई, यू जस्ट हैव टू क्लिक द पिक्चर, हम तीनों को टैग करके आपने स्टोरीज लगानी है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी स्टोरीज रीपोस्ट करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करना है आपने मुझे, मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक जगह पे देखी और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगी हुई हैं, तो आपको जहाँ जहाँ पे भी वो दिखे आपने हम तीनों को टैग करना है और मैं देखूँगी फिर।